हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और लेकर आ गए हूं एक और मजेदार वीडियो। वीडियो में आज बात करने वाले हैं अजय देवगन की आने वाली पांच ऐसी फिल्मों के बारे में जिसको आप मिस करने की गलती नहीं करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर आती है फिल्म भोला। यह एक मच अवेटेड फिल्म है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं खुद अजय देवगन। इस फिल्म में आपको अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल मुख्य रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन और भूषण कुमार। आपको बता दें, यह एक रीमेक फिल्म होने वाली है। यह फिल्म साउथ की फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है। फिल्म भोला का ट्रेलर आ चुका है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वैसे दोस्तों, अजय देवगन साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाते रहते हैं जो हिट भी हो जाती है। इसका एक सीधा एग्जाम्पल आपको दृश्यम 1 और दृश्यम 2 जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही है। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म में एक बाप और बेटी के रिश्ते को दर्शाया गया है। इस फिल्म को 30 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है फिल्म मैदान। यह एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के किरदार में नजर आने वाले हैं। वैसे तो अजय देवगन पहली बार स्पोर्ट्स पर बनी फिल्मों में नजर आएंगे। लोग इनको कितना इस अवतार में पसंद करते हैं ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित शर्मा और प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर और जी स्टूडियो। इस फिल्म में आपको अजय देवगन, गजराज राव और कृति सुरेश मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है फिल्म औरों में कहां दम था। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको एक बार फिर अजय देवगन और तब्बू साथ में दिखने वाले हैं। दोस्तों, आजकल अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी बिग स्क्रीन पर काफी हिट है और लकी भी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नीरज पांडे। दोस्तों, ये वही नीरज पांडे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में ए वेडनेसडे, स्पेशल 26 और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्में दी है। इस फिल्म में आपको अजय देवगन, तब्बू के अलावा जिम्मी शेरगिल भी दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म को 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। लिस्ट में चौथे नंबर पे आती है फिल्म सिंघम 3। यह एक पॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें अजय देवगन के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में आपको दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी इस फिल्म के पहले दो पार्ट को भी डायरेक्ट कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही है। यह फिल्म कश्मीर आर्टिकल 370 पर बेस्ट फिल्म होगी। लिस्ट में पांचवें नंबर पर आती है फिल्म रेड 2। यह फिल्म बेस्ड है एक ऐसे परफ्यूम व्यापारी पर जिसने लगभग 257 करोड़ का कैश, 25 किलो सोना, 250 किलोग्राम सिल्वर और 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को इंडियन गवर्नमेंट से छुपा कर रखता है। इस फिल्म की कहानी इसी परफ्यूम व्यापारी पर बेस्ड है और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं कुमार मंगत पाठक। इस फिल्म में आपको अजय देवगन फिर से दिखने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार गुप्ता। वहीं फिल्म का रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिल्म के साथ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दें।